तो निहाल सत श्री अकाल। मैं यहाँ पे दो मशहूर पंजाबियों के साथ हूँ, एक तो हमारे 18 स्वदेश के पंजाबी और मार्केट के पंजाबी जो हमारे साथ है। बजट पर 18 स्वदेश पे आके आपको कैसा लग रहा है? ओ चकदे फटे नब्दे किल्ली सवेरे जलंधर सोहमी दिल्ली। तुम ढोली लेकर आए अपने साथ? डिम्पी जब भी आ रहा है सुबह से ढोल बजा रहा है, ढोल बज रहे हैं, बढ़िया। आज कितने ढोल बजे? ढोल तो बजना चाहिए, पिछले साल इसी दिन आपके साथ मायूसी थी, याद है अडानी की? हमने आपको कहा था अगले साल ढोल बजाएंगे। बज रहे जी, अब तो हम ऑल टाइम हाई के आसपास ही पहुंच रहे हैं और 22,000 का लेवल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और भसीन साहब आज फिर से तैयार हैं, जबरदस्त ट्रेडिंग कॉल देने वाले। मेरे ना हिंदी बोलनी नहीं जा रही, मैं थोड़ी पंजाबी पंजाबी में बात करो यार, यही हां मुझे भी कुछ सिखा दो सर, मुझे भी कुछ सिखा दो। वेरी इजी टू से डन, जो चीज जो चीज जानते हैं जो कहना है मन की गल कहनी है, जो कहनी जी मन की गल कहनी है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। और बिल्कुल तैयार हैं, स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही बस अखाड़े में हम पहुंच रहे हैं भसीन जी के साथ और सभी पहलवान हमारे साथ है वहाँ पे। तो आज दाव पेच लगेंगे और जय जयकार भी होगी। लेना चाहिए एक बार चकदी फटे, चलो जी एक दो तीन चक दो जी फटे, अगे चलते जाओ फिर अगे होर अगे होर अगे होर चलते जाओ। भसीन साहब आ गए ट्रेडिंग अखाड़े के बीच। थैंक यू भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आइए सर और आपके साथ आपके आने के बाद तो धोबी पछाड़ जो दाव है ना वही जानना चाहेंगे। सरदार पहलवान पहलवान है और ऐसे पहलवान है जो कई पहलवानों को एक साथ चित करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो ऐसे ऐसे पहलवान है। भसीन साहब थोड़ी आवाज बढ़ाइए, बहुत बढ़िया शान ऐसी वॉइस रखनी है। और इस बिना वॉइस के आप आना ही मत अखाड़े में, नहीं तो पेनल्टी है छोले भटूरे की। पाजी इसने पेनल्टी ला रखी है, अगर ढोलनी बजाड़ गए तो छोले भटूरे पेनल्टी देने पे होगी। अगर शर्माओगे तो शहर बाजार छोड़ दे, शर्माने कम नहीं है, ऐसे बने रहना है। तो यही जोश यही जुनून नाल हम आज की ट्रेडिंग कॉल की करते हैं शुरुआत। और भसीन साहब हो गए तैयार, मैं अपना माइक दे देता हूँ भसीन जी को और वही अपनी सारी ट्रेडिंग कॉल आपको बता देंगे। भसीन साहब थैंक यू, डिम्पी थैंक यू, कविता इट वॉज सुपर एंड द यूजुअल गैंग। सो देखिए मार्केट अकॉर्डिंग टू मी बॉन्ड यील्ड्स हैव स्टार्टेड टू सॉफन और मुझे लगता है इंडियन मार्केट आउट परफॉर्मेंस चलेगा। छोड़िए इंडेक्स को, स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, मिड कैप रोज न्यू हाई पे है, रोज लोग बाग कहते हैं बबल बबल बबल, कोई बबल नहीं है, जिसके पास ओनरशिप है वही इज लाफिंग इज वे टू द बैंक। तो आज की टॉप पिक दो मिड कैप है एक लार्ज कैप दे रहा हूँ। डिम्पी जी टॉप पिक है कैप्री ग्लोबल, वन ऑफ द फास्टेस्ट गोइंग एनबीएफसीज, 21,000 करोड़ की बुक है, 30% उस पे एयूएम गोल्ड लोन का है, ग्रोइंग एट 45% एयूएम ऑन FY 24, 25%, नो अनकोलैटरलाइज्ड लोन, एसेट लाइट मॉडल, 1,025 ब्रांचेज है, 900 रुपए पे, इट्स द थर्ड चीप चॉइस। 18,000 की मार्केट कैप इज नथिंग, 40,000 की मार्केट है आपके अगले बजट तक, तो ट्रिपलर फ्रॉम हियर, डबल एंड ट्रिपलर कैप्री हो गया। राजेश शर्मा जी से भी मिल लिए, अच्छे से बात हो गई, बिल्कुल अब आप समझे। दूसरा पिक है आईओसी, वेदर यू लव इट और हेट इट, ओएमसीज हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंस ओएमसीज पे सबका दांव कविता जी, और परफॉर्मेंस एक महीने दो साल नहीं आई लेकिन 3 महीने में जिस दिन से कुछ ने पकड़ा वो शेयर रुकता ही नहीं, 90 वाला 150 और 150 वाला 250 रुपए, 12,000 करोड़ का एक क्वार्टरली प्रॉफिट है, इस साल में 50,000 करोड़ का प्रॉफिट करे, 2,50,000 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी आएगी एनर्जी कंपनी से। आईओसी डिफाइंस सॉफ्ट एंड हार्ड क्रूड, इट इज अ अनबिलीवेबल प्ले फॉर अ टारगेट ऑफ 240। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप देख रहे हैं रियल इस्टेट में सेकेंड हैंड रियल इस्टेट बहुत जंप कर रहा है, अब ये एक स्टॉक है जिसमें आप अपना डिलीजेंस करिए, इंडिया बुल रियल इस्टेट, इसकी मार्केट कैप 4,500-5,000 करोड़ की है जबकि नॉन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स की भी 1,500 से 2,000 मार्केट कैप है।
India Will Real Estate is the largest land bank owner, not only in India, but in Gurgaon and Maharashtra. Jo problem thi, wo on the back as Burman hai. 12 tarikh ko final judgment aa jayegi of embassy's acquisition of the merger. I think this is an unbelievable play, purely on the land bank value. Aur unka debt has fallen very, very sharply. मेरे हिसाब से अगले बजट तक ये 250 रुपए का भाव। चलिए, इस बीच मेरे ख्याल से विश्वमोहन तस्वीरें भी आ रही हैं।